अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने परफेक्ट मनी के अकाउंट का कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी परफेक्ट मनी के अकाउंट में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ना मैंने दो वीडियोज अपलोड कर रखी हैं ब्लॉकचेन की, क्योंकि ब्लॉकचेन और परफेक्ट मनी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जहाँ परफेक्ट मनी यूज होता है वहीं बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन भी यूज हो सकता है। जहाँ ब्लॉकचेन यूज हो सकता है उधर बिटकॉइन का सॉरी परफेक्ट मनी का ऑप्शन लाजमी होता है। इसलिए मुझे ना परफेक्ट मनी के अकाउंट की वीडियो बनाने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, लेकिन मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेबसाइट कहाँ की वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसमें परफेक्ट मनी का अकाउंट लाजमी होना चाहिए क्योंकि वीडियो वेबसाइट में अभी लॉन्च करूंगा, वीडियो करूंगा वेबसाइट आपके सामने। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उसमें कोई डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे कि यूजर फ्लैशन वाली वेबसाइट की तरह की वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, उसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हम उस वेबसाइट में थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, आगे बिटकॉइन का ऑप्शन दिया है, उधर परफेक्ट मनी का भी ऑप्शन है, लेकिन उस वेबसाइट में दूसरा कानून है, पहले आई पहले भाई एक जिसकी आईडी सबसे पहले बन गई उसी की नंबर जल्दी लगेगा। इसलिए जब हम बिटकॉइन से किसी कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है कि हमें 3 कंफर्मेशन की जरूरत होती है, तब जाके हमारा डिपॉजिट कन्फर्म होता है। इसलिए परफेक्ट मनी का अकाउंट बहुत ही लाजमी, क्योंकि हम डिपॉजिट करते हैं परफेक्ट मनी कोई कंफर्मेशन नहीं होती, जैसे उसी वक्त ही डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए हमने क्या करना है, परफेक्ट मनी का पहले अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा और वेबसाइट का रिव्यू आपके सामने करूंगा कैसे उस वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आज रात को तकरीबन 11-12 बजे तक मैं इस faster.com वाली वेबसाइट का भी रिव्यू करूंगा। इसका लाइव जो विड्रा है डिपॉजिट मैंने आपको साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन इसका जो विड्रा है वो आपके साथ मैं लाइव शेयर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट आने की साइट जो होगी वो आपको सबसे पहले उनकी अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं हम अकाउंट की तरफ कि कैसे हमें अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वेबसाइट के बारे में मिलेगी। वेबसाइट को ओपन करते ही वेबसाइट को जब हम रजिस्ट्रेशन पे ही जाके हमें क्या करना होता है, पहले परफेक्ट मनी का एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए उस आदमी की वेबसाइट से पहले ही हमें परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। आपको परफेक्ट मनी के रेफरल लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने जाकर उसको कॉपी करना है या उसको क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। अगर आपको वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी करके इधर अपने कोई सी ब्राउजर में पेस्ट कर दें तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। बस मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने क्रिएट तो किया हुआ है, बस आपको लॉगिन के तरीके बताऊंगा। उसके बाद और जो भी इंफॉर्मेशन है कि हमने जब विड्रा में या डिपॉजिट अकाउंट का जो यूजर नाम है या क्या पोर्ट करना होगा, जैसे बिटकॉइन का हम एड्रेस पोर्ट करते थे, वैलेट एड्रेस पोर्ट करते थे बिटकॉइन का, इसी तरह परफेक्ट मनी का हम क्या पोर्ट करेंगे, जीमेल पोर्ट करेंगे या आईडी नंबर करेंगे, यूजर नंबर करेंगे या क्या पोर्ट करेंगे, वो भी हम आपको बताता हूँ। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, जस्ट साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, जस्ट अकाउंट नेम अकाउंट नेम, जैसा कि आपका जो अकाउंट नेम परफेक्ट मनी है या जो भी आप लिख सकते हैं अकाउंट में, इधर आप परफेक्ट मनी भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, फुल नेम जो आपका आईडी कार्ड पे है वही आपने इधर अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने इधर क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप है सिटी का, आपने सिटी पोर्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप एड्रेस है, आपने मुकम्मल आईडी कार्ड वाला जो है एड्रेस पोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक कंट्री, आपका जो भी कंट्री हो वो सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद क्या है, आपका पोस्टल कोड होगा। पोस्टल कोड अगर आपको अपने पोस्टल कोड पता नहीं है तो आप गूगल में जाकर किसी भी सिटी का और नाम लिख के आगे लिख दें पोस्ट कोड। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ दुकान पोस्टल कोड या जिप कोड। अब लिखेंगे गूगल में जाकर तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। इसी तरह अपने सिटी का नाम लेके आप पोस्टल कोड ढूंढ सकते हैं, जिप कोड या पोस्टल कोड इधर आपने कोड कर दें। उसके बाद इधर आपने कंफर्मेशन मेल भी आपके पास जाएगी, आप वही ईमेल एड्रेस दें जो आपके पास अभी इस वक्त एक्टिव हो, ऑन हो, लॉगिन हो। इसके बाद आपने वो वाला जो है ईमेल एड्रेस पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने फोन नंबर आपने पुट करना है। यहाँ फोन नंबर पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अकाउंट टाइप हो गया, आपका बिजनेस या पर्सनल सर्वर है, पर्सनली होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर 6 अंशों का या 8 अंशों का लेटर में और जो वर्ड में दोनों में आप पासवर्ड एंटर करें। 6 इंच से ज्यादा हो कम ना हो। उसके बाद दोबारा रिटाइप करेंगे। रिटाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर वाला जो कैप्चा है इसको फिल करना होगा। अगर कैप्चा बार बार अगर आपको समझ नहीं है तो आप आराम से टाइप करके भी आप कैप्चा को दोबारा ला सकते हैं। मैं इधर कैप्चा आपको फिल करके दिखा दूंगा 717940। इस तरह कैप्चा आप फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप आई एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यूं आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल रिसीव होगी जीमेल में। आपने जाकर उधर कंफर्मेशन करनी होगी। कंफर्मेशन के बाद आपको उधर जीमेल में एक यूजर नेम मिलेगी, आपने वही आईडी कॉपी करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जो ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको फौरन मेल रिसीव होगी जिसमें आपको कंफर्मेशन भी मशहूर होगी। उसके अलावा एक यूजर नेम आईडी आपको मिलेगी, वो आपने कॉपी कर लेनी है। उसके अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। यूजर नेम कॉपी करनी है, पासवर्ड तो आपको ऑलरेडी आपने जब पुट किया होगा वो याद होगा, क्योंकि जब भी हम लॉग इन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, वही जो हमारी यूजर आईडी हमें जीमेल में मिली थी हमने वही पुट करके जीमेल सॉरी पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, उम्मीद है समझ आ जाए ताकि मैं आपको अब लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन आपने कैसे करना है। जस्ट क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, इधर वही जो मेल में आपका मेम्बर आई डी आपको मेल में रिसीव होगा वही इधर पोर्ट करना है। पोर्ट करने के बाद आपका नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड पोर्ट करके कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद क्या होगा, ये वाला फिर ऑथोराइज क्लिक करते हैं। अगर आपका ये वाला कैप्चा टर्निंग नंबर ट्यूरिंग नंबर अगर ठीक होगा तो ऑथोराइज कर देगा, वरना क्या होगा दोबारा आपको ये वाला नंबर टाइप करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आप साइन इन करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप और सेव करना चाहते हैं या नहीं। आप सेव करेंगे तो आपको बार बार ये पासवर्ड और आईडी नंबर नहीं देना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट के, हमें इसको लॉगिन करके आपको इसका इंटरफेस मुकम्मल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपका क्या होगा, ये $US का ये वाला जो है यही है, मैं डॉलर में ये वाला एड्रेस कॉपी करके ये अगर किसी से आप अगर अपनी जो अर्निंग है या रकम है डिपॉजिट रिसीव करना चाहते हैं, ये वाला अकाउंट है ये वाला नंबर आपने कॉपी करके उसको सेंड कर देना है। इधर डॉलर का साइन है, इसके साथ यू वाला लिखा हुआ है, इधर आके सामने USD लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, USD यही वाला जो है पुट करना होगा, इसको कॉपी कर लेना होगा। जब भी आप परफेक्ट मनी से किसी भी बंदे से रकम वसूल करेंगे तो यही वाला अकाउंट आप अपना कॉपी करके देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आप करंट अकाउंट सेटिंग भी आप कर सकते हैं कि जब भी आप सिक्योरिटी के तौर पर आप क्या करना है, इधर आइडेंटिफाई चेक या SMS लॉगिन या कोड कार्ड या कोई भी सिक्योरिटी के तौर टाइप है। जब भी आप जब भी आप अकाउंट लॉगिन होगा तो आपके पास SMS वसूल होगा जो आप वेरिफिकेशन कोड के तौर पर सिक्योरिटी कोड के तौर पर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे यही होगा आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा। जो भी बंदा लॉगिन करने की ट्राई करेगा तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप भी लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 4 का कोड आएगा, आपने कोड मोबाइल से देख के ऑथराइज करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सबको समझ आ गई होगी। ऑलरेडी मेरे ख्याल में हर किसी का परफेक्ट मनी का अकाउंट बना हुआ होगा और बहुत से लोगों ने मुख्य वीडियोस भी देखे होंगे परफेक्ट मनी के अकाउंट के, लेकिन जो मेन बात थी वो आपको समझाने की यही थी कि इसका मेन जो मकसद था बनाने का वो ये है कि जो नेक्स्ट वेबसाइट लॉन्च होने वाली है उसमें यही अकाउंट यूज होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको अकाउंट बनाना सिखा दूं, ये वीडियोस अपलोड कर रहा था कि और जब भी वेबसाइट का रिव्यू करूँ मैं आपके सामने तो कमेंट्स में आपका ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास परफेक्ट मनी का अकाउंट नहीं है, आप परफेक्ट मनी का अकाउंट कैसे क्रिएट कर लूँ। एक बार दोबारा आपको बता दूं कि वेबसाइट में आप ये डिपॉजिट करते हैं या किसी से भी रकम हासिल करते हैं या किसी भी वेबसाइट में अपना एज एड्रेस के तौर पर, मिसाल के अगर आप किसी वेबसाइट में कैश मेल का अकाउंट देते हैं तो आप क्या करना होगा, कैश मेल वाली जीमेल बोर्ड करते हैं। बिटकॉइन में बिटकॉइन का एड्रेस देना होता है तो बिटकॉइन का एड्रेस देते हैं। इसमें क्या करना होगा, ये वाला जो है इधर डॉलर का साइन है एस लिखा हुआ है, इधर आगे यूएसडी लिखा हुआ है, यही वाला आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। ये वाली जो है इसको कॉपी कर लेना है, इधर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके किसी भी रेफरेंट को सेंड कर देना है बस, या किसी भी वेबसाइट में पुट कर देना है। मैं आपको वेबसाइट में पुट करके भी दिखाऊंगा। उसके अलावा ये जो यू वाला जो साइन है, यू वाला जो वर्ड है, ये लाजमी तौर पर आपके साथ कॉपी आना चाहिए। जैसे आपको क्या करना होगा, इधर लिखना होगा, इधर से ये कापी नहीं होगा, आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कापी करना होगा, ये यहाँ तक कापी करके आपको किसी बंदे को सेंड कर देना या किसी भी वेबसाइट में पोस्ट कर देना। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।